नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार वाले दुबजे के नए एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 दिन का लॉकडाउन डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने एंड बाहर निकलना सेफ़ नहीं है, तो प्लीज़ आप घर पे रहिए, बाहर ना निकलिए। और मैं भी बाहर निकल के वीडियोस नहीं डाल पाऊँगा, मैं कार रिव्यूज़ के वीडियो नहीं डालूंगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊँ। तो मैं ये 21 दिन कोशिश करूँगा कि मैं मोर ऑफ कार रिलेटेड बातें करूँ, टेक्निकल बातें करूँ, यू नो, गाड़ी के मेंटेनेंस एस्पेक्ट से, गाड़ी के ओनरशिप के बारे में एंड फ्यूचर क्या है इंडियन मार्केट का कार को लेके। तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे इन 21 दिनों में। तो नए नए वीडियोज़ आएंगे। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली कि जो आप नई या ओल्ड कार खरीद रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप पहली ध्यान में रखते हैं वो ये है कि जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसकी साइज़ देखिए। आपको हैचबैक की रिक्वायरमेंट है कि सेडान की कि एसयूवी की, पहले आप वो कंफर्म कीजिए। हो सकता है आपकी फैमिली 3 या 4 लोगों की हो, या आपका रिक्वायरमेंट मोस्टली सिटी में हो, आपको सिटी में ही गाड़ी चलानी है, तो आपको एसयूवी की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बहुत लोग सिंगल चलाते हैं एंड वो अकेले ही ड्राइव पे जाते हैं, बट वो और वो एडवेंचर भी नहीं करते, वो मोस्टली सिटी में ही चलाते हैं एंड वो एसयूवी ले लेते हैं जो उनके यूज़ का नहीं है एंड उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट छोटी गाड़ी का है, आप छोटी गाड़ी पर जाइए, बड़ी गाड़ी है, जो आपका रिक्वायरमेंट हो आप पहले उसे फाइनलाइज कीजिए, कहीं अच्छे डील और डिस्काउंट के चक्कर में आप रॉन्ग गाड़ी ना खरीदें। दूसरा है इंजन साइज़। अगर आप अकेले गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा पिकअप की ज़रूरत नहीं है, तो आप 1000-1200 cc की कोई भी अच्छी गाड़ी ले सकते हैं एंड वो चला सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि बड़े इंजन वाली गाड़ी ले लेते हैं, फिर उसका मेंटेनेंस, उसकी एफिशिएंसी सब उनको भारी पड़ता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा पावर की नहीं है, अगर आपको सिर्फ सिटी में चलाना हो या 4-5 की आपकी फैमिली है, स्मॉल फैमिली ट्रिप्स पे जाना है, आपको ज़्यादा स्पीड का शौक नहीं है, तो 1 लीटर 1.2 लीटर वाली इंजन आप कंसिडर कीजिए। वो हिसाब से आप इंजन चॉइस पे जाइए। थर्ड चीज़ होता है फ्यूल टाइप। ये बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड सबसे बड़ी दिक्कत हमारे इंडियंस की ये है कि हम फ्यूल इकोनॉमी पे जाते हैं, तो इसलिए हम डीजल प्रेफर करते हैं। जबकि प्रॉब्लम ये है कि वो गाड़ी लेने के बाद हम उसे यूज़ भी नहीं कर पाते। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपका मंथली रनिंग 1200 किलोमीटर के आसपास है एंड अगर आप ईयरली रनिंग आपका 10,000 to 12,000 मिनिमम, अगर आप 12,000 साल में गाड़ी चला रहे हैं 12,000 किलोमीटर्स, तो ही आप डीजल जाइए, वरना आप डीजल मत लीजिए। बिकॉज मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जो डीजल गाड़ी लेते हैं एंड वो मुश्किल से साल भर में 5-6 हज़ार 7 हज़ार किलोमीटर चलाते हैं और गाड़ी वैसे ही पड़ी रहती है। तो इट इज़ प्योरली अ वेस्ट ऑफ योर मनी, बिकॉज डीजल गाड़ियाँ महंगी आती हैं, चाहे आप नया लो या पुराना लो। सेकेंडली, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होता है कंपेरेटिवली पेट्रोल के, तकरीबन दुगना होता है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसकी जो वाइब्रेशन होती है, उसका नॉइज़ ज़्यादा होता है एंड वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। इसीलिए जो नए BS6 आए हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं डीजल इंजन को लेके। तो पेट्रोल लेंगे तो पेट्रोल सेफ होती है, काफ़ी अच्छा पिकअप हो जाता है, उनका मेंटेनेंस में इजी होती है एंड जब आप गाड़ी 15 साल के बाद रिन्यू करने जाते हैं, आपको इजीली रिन्यू भी हो जाती है, बिकॉज डीजल गाड़ियों के लिए नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो सोच समझ के आप डीजल गाड़ी लीजिए, अगर आपको ज़रूरत है डीजल गाड़ी की, आपका रनिंग उतना ज़्यादा है, अगर आप टूरिस्ट में हैं या आपको बिजनेस पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, ज़्यादा ट्रैवलिंग है, तो ही डीजल लीजिए। वरना पेट्रोल इज़ क्वाइट गुड इनाफ, बिकॉज वो भी अच्छी एवरेज देती है। सिर्फ 3-4 के एवरेज के लिए आप डीजल ले रहे हैं, आप ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं, वो कोई सेंस नहीं बनता। फोर्थ एस्पेक्ट है कि जब आप गाड़ी ले रहे हैं तो उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स देख लीजिए कि उसमें एयरबैग्स हो, ABS वगैरह हो, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम हो। हालांकि ये सब थोड़ा सा गिमिकी साउंड करता है, बट ट्रस्ट मी, बहुत 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 ज़्यादा इसका यूज़ होता है। जब आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके रोड्स थोड़े से स्लिपरी हो, तभी आपका ABS बहुत बेहतरीन काम करता है, आपकी जान बचा सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जितने फीचर हो सेफ्टी वाले वो गाड़ी में इंक्लूडेड हो, ताकि आप सेफ़ रहिए, आपकी फैमिली सेफ़ रहेगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब आप गाड़ी ले रहे हैं, कोई भी नई या पुरानी, तो कौन सा ब्रांड लें। आप वो ब्रांड लीजिए जो आपके आसपास हो। जैसे कि अगर मैं मुंबई में हूँ तो मैं कोई भी गाड़ी ले सकता हूँ, चाहे वो हेक्टर हो, टाटा हो, मारुति हो, बिकॉज आई हैव ऑल द शोरूम्स, ऑल द सर्विस सेंटर नियर बाय। बट अगर आप ऐसे किसी स्मॉल सिटीज़ में हैं एंड आप कोई ऐसी गाड़ी ले रहे हैं जिसका सर्विस सेंटर आपसे 100-200 किलोमीटर दूर है या उसका डीलरशिप दूर है, तो दिक्कत क्या होती कि अगर गाड़ी कभी ब्रेकडाउन हुई या उसके कुछ पार्ट्स आपको मंगाने पड़े, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में आपका टाइम, आपका पैसा दोनों वेस्ट होता है। तो ब्रांड कोई भी बुरा नहीं होता, बट आप वो ब्रांड लीजिए जो आपके आसपास हो, जिसके पार्ट्स अवेलेबल हो या जिसका सर्विस सेंटर अवेलेबल हो।
इनफैक्ट अभी जैसे कि एमजी हेक्टर हो गई बीच में, या किया की सेलेटॉस आई थी, तो उन दोनों गाड़ियों का दिक्कत था कि उसमें काफ़ी सारे फीचर्स थे, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थे, इसकी वजह से कुछ ना कुछ सिस्टम फेल हुआ एंड काफ़ी लोगों ने उसका कंप्लेन किया। अब दिक्कत ये होती है कि नई गाड़ियों में नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं और वो नेचर है मशीनरी का, वो ख़राब होती ही है, तो अगर आपके पास वो मैकेनिक अवेलेबल नहीं है, वो टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है, तो आपकी गाड़ी स्टैंडस्टिल पे आ जाती है, आपका काम का नुकसान होता है। तो ये चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान में रखिए गाड़ी लेते वक्त। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जब आप गाड़ी ले रहे हैं तो आप देखिए कि आपको ऑटोमेटिक चाहिए कि मैनुअल चाहिए। बहुत लोग मैनुअल लेते हैं क्योंकि मैनुअल चलाने में मज़ा आता है, बट काफ़ी लोग आजकल ऑटोमेटिक प्रेफर करें। अगर आपका 90% आपका अगर मुंबई में या आपको किसी भी सिटी में ही आपका ड्राइव है जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो आई रिकमेंड कि आप मैनुअल ना ले, ऑटोमेटिक ले, बिकॉज ऑटोमेटिक बहुत ही ईजी हो जाता है चलाने के लिए सिटीज़ में। अगर आपका हाईवे राइड ज़्यादा है या आपको ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, आपको मैनुअल से ज़्यादा प्यार है, तो आप मैनुअल लीजिए। अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है ऑटोमेटिक और मैनुअल में, तो सिटी राइड है तो प्रेफर कीजिए ऑटोमेटिक, बिकॉज वो आपको काफ़ी ईजी ड्राइविंग कर देता है, आपके लिए ईजी हो जाता है। हालांकि मेंटेनेंस थोड़ा सा ऑटोमेटिक में ज़्यादा होता है, बट नई गाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी वेल इक्विप्ड आ रही है, उनके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन काफ़ी अच्छे हैं, आपको एफिशिएंसी भी अच्छा दे देती है, तो कोई बुरी बात नहीं है ऑटोमेटिक लेना। नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए वो है टायर्स। जी हाँ, टायर साइज़ बहुत मैटर करता है आपकी राइड क्वालिटी के लिए। अगर आप राइट टायर साइज़ रख रहे हैं, अगर आपकी जैसे गाड़ी अगर आपको ज़्यादा हाईवे पे चलानी है, या आपके रोड थोड़े उबड़ खाबड़ हैं, या आपका ज़्यादा ड्राइविंग है, जैसे कि आप डेली बेसिस पे ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, तो आप वो सेडान प्रेफर कीजिए, बड़े टायर्स वाली, थोड़े से जिनके टायर साइजेस बड़े हो, बिकॉज वो आपको कंफर्टेबल होती है। अगर उस टाइम पे आप हैचबैक ले रहे हैं जिनका 13 इंच या 14 इंच का व्हील हो, वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, आपके बैक पे जर्क लगते हैं। तो अगर आपकी ज़्यादा रनिंग है तो थोड़ा सा 15 इंच 16 इंच वाले टायर्स वाली गाड़ी लीजिए, ताकि उनका सस्पेंशन सेटअप भी उस सबसे सेट होता है। तो कैसा होता है कि आपको इजी हो जाता है, आपके हेल्थ पे भी वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, तो टायर साइज़ इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। टायर के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप लिंक में जाके आप देख सकते हैं, मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं, टायर्स के बारे में और जानकारी मिल जाएगी आपको उस वीडियो से। तो चलिए, ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको कंसिडर करने हैं नए और पुराने गाड़ी कुछ भी ले रहे हैं आप, तो इसमें ये सब चीज़ें आप प्लीज़ ध्यान रखिए और वो हिसाब से डिसाइड कीजिए अपनी गाड़ी। राइट कार लेंगे, आपको मेंटल पीस रहेगा, आप उसको सुकून में चला सकते हैं और उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर गाड़ी आपके चॉइस के हिसाब से नहीं होती तो फिर वो आपको दिक्कत हो जाती है। इसी के साथ अगर कुछ और सवाल आपके मन में हो, आपको कुछ भी डाउट्स हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझे चैट पे, कमेंट्स पे, फेसबुक पे या इंस्टा पे आप मुझसे चैट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट्स में आप सवाल लिख सकते हैं। आपको नेक्स्ट किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए, कौन सी टेक्निकल इशू है या कुछ भी आपको चाहिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको जवाब दूंगा। मेरा ईमेल आईडी है कारवाले दुबे जी @gmail.com। तब तक के लिए कारवाले दुबे जी की तरफ से साइनिंग ऑफ।